पंचकुला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया दशहरा का त्योहार। पंचकुला सेक्टर 5 के सालीमार ग्राउंड में किया गया लंकापति रावण का दहन। बतौर मुख्य अतिथि मेयर कुलभूषण गोयल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। श्री माता मनसा देवी दशहरा कमेटी एवं आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब द्वारा दशहरा महोत्सव का किया गया भव्य आयोजन। शानदार आतिशबाजी ने लोगों का मन मोहा। तो वहीं आपको बता दें कि पंचकुला के साथ ही लगते चंडीगढ़ में पटाखों व रावण दहन पर पाबंदी होने के चलते सेक्टर 5 के ग्राउंड में चंडीगढ़ से भी आकर लोगों ने दशहरे का पर्व का दीदार किया। आपको बता दें कि पिछले 2 साल पूर्व पंचकुला में 200 फुट रावण का पुतला फूंका गया था, लेकिन इस बार एक तो महंगाई की मार व कोविड नियमों का पालन करने के चलते सूक्ष्म रूप से मनाया गया दशहरे का कार्यक्रम। मेयर कुलभूषण गोयल ने पंचकुला वासियों व प्रदेश वासियों को देशवासियों को दशहरे की दी हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत के लिए इस पर्व को आज धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। हमारे पंचकुला में हर साल दशहरा मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माता मनसा देवी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हमारा कमेटी वो इसको हर साल मनाती है। इससे जो हमारे सतपंथ गर्ग जी हैं वो हमारे पैटर्न हैं, मुंशी राम अरोड़ा जी, जो रामलीला और रमेश चड्ढा जी, सुभाष परनेजा जी, और आज के प्रोग्राम में जो कई जन से जॉनी मित्तल जी, सबका मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह से यहाँ पर पंचकुला में प्रोग्राम चलाते रहे। और ये जो दशहरा पूरे देश के अंदर हजारों जगह पर मनाया जाता है, ये सबको मालूम है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। भगवान राम को हम याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रावण का वध किया था और मर्यादा कैसे कायम की थी। भगवान खुद होते हुए भी उन्होंने 14 साल वनवास में काट कर भी पूरे देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि किस तरीके से चाहे कोई भी मुसीबत आए, किस तरीके से बुराई का नाश करना है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब तो और बहुत खुशी की बात है कि रामलला का मंदिर बनना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में मंदिर बहुत जल्द पूरा होगा। तब हमारे भगवान राम जी का सही जो जगह है वहाँ पर हमें मिलेगी। और ये भव्य मंदिर जिस दिन बनेगा उस दिन अलग से पूरी बहुत बड़े सारे देश के अंदर दिवाली भी और दशहरा भी बहुत धूमधाम और पावर डायरेक्टर साथ साथ और भी बहुत व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो कि आज स्टेज पे राजकीय होगा भगवान राम, स्टेज भगवान राम को राजकीय होगा अपने प्रतियोगिता